रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसकी जनसंख्या करीब 130 लाख है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रवांडा के बारे में कुछ मजेदार बातें बताने वाले हैं। रवांडा पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसके पूर्व में घास के मैदान और पश्चिम में पहाड़ियां है। रवांडा के उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में कांगो गणराज्य है। रवांडा की संसद में लगभग 60% से भी ज्यादा महिलाएं हैं। इस तरह यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। रवांडा के लोग किन्यारवांडा भाषा में बात करते हैं, जो इस देश की राष्ट्रीय भाषा भी है। इसके अलावा इंग्लिश और फ्रेंच भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोली जाती है। दुर्लभ प्रजाति के गोरिल्ला आज अफ्रीका के सिर्फ 3-4 देशों में ही पाए जाते हैं, उनमें से एक रवांडा है। अफ्रीका के जंगल सफारी के दौरान युगांडा, कांगो और रवांडा में गोरिल्ला देखने को मिलते हैं। रवांडा का राष्ट्रीय पशु तेंदुआ है। रवांडा का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट करिसिम्बी है, जिसकी ऊंचाई 4,507 मीटर है। रवांडा में 3 मुख्य जाति के लोग रहते हैं, त्वा लोग, पिग्मी जाति और बाटू जाति। इनमें से त्वा जाति के लोग जंगल में निवास करते हैं। यहाँ के अगेरा नेशनल पार्क में तरह तरह के जीव देखने को मिलते हैं, जिनमें भैंस, जेबरा, इम्पाला, बबून, वार्थॉग, शेर और हिपोमोटिस जैसे कई तरह के जानवर शामिल है। रवांडा के 80% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। बाकी के धर्म में मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग आते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती, लकड़ी और मछली पकड़ने से आता है। इस देश में बिजली का केवल एक ही मुख्य स्रोत है, जो मुकुंगवा हाइड्रोलिक्स पावर हाउस से आता है, लेकिन इतनी बिजली पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे देश के कुछ हिस्सों में बिजली मिलती है। बाकी की बिजली कांगो गणराज्य से आयात की जाती है। रवांडा में साल में 2 बार बारिश का मौसम आता है। पहला मौसम फरवरी से अप्रैल तक और दूसरा मौसम नवंबर से लेकर जनवरी तक चलता है। इस दौरान कई सारे पर्वतीय इलाकों में बर्फ भी गिरती है। रवांडा एक ऐसा देश है जहां पर प्लास्टिक की बैग का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने सन 2008 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ताकि एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचे। तो आपको रवांडा के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।